very stylish performance, I would say. Rock and roll thai gayu. हेलो, एक बुरी खबर है. वो सीडी किसी और के हाथ लग गई है. एक नया ब्लैकमेलर. मिस्टर देसाई, मुझे आपसे कुछ अर्जेंट बात करनी है राइट नाउ. कॉल यू बैक. हेलो, कैसी हो मैडम? कौन? हर कोई मुझसे यही सवाल करता है और मैं सबको एक ही जवाब देता हूँ. नाम जानकर क्या करोगे मैडम, काम सुनो. वैसे तो आपकी चोरी के किस्से अदालत तक पहुंच चुकी है, लेकिन पूरी दुनिया के सामने नहीं. कौन हो तुम? पूरी दुनिया देखेगी आपकी करतूत और आप बन जाओगी इंटरनेशनल चोरनी. नहीं तो मैं ऐसा नहीं कर सकते. और वो वीडियो तो राजेश के पास था ना, राजेश तो मर चुका है, तो तुम कौन हो? फिर वही बेकार की बात. अरे कौन जिंदा है कौन मर गया ये इम्पोर्टेंट नहीं है मैडम. इम्पोर्टेंट ये है कि आज रात 15 लाख रुपए लेकर जॉगर्स पार्क के पीछे वाले कॉस्टा भी ला जाना, नहीं तो कल सुबह तक पूरी दुनिया के सामने आपकी चोरी के किस्से मशहूर हो जाएंगे. नया ब्लैकमेलर पीसीओ से फोन कर रहा था. कॉल ट्रेस हुआ क्या वरुण? जी हाँ सर. सर मुझे बहुत डर लग रहा है. तुम निश्चिंत रहो संजना, हो सकता है कोई यूं ही तुम्हें बेवकूफ बना रहा है, पैसे इटने की कोशिश कर रहा है. एक बात तो निश्चित है कि जो भी है ये व्यक्ति वो इस केस से जुड़ा हुआ है, इस केस के हर पहलू को जानता है, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं कि वो सीडी उसके पास है या नहीं. अब बुलाया है तो मिलने तो जाना पड़ेगा. जाएगा वरुण? यस सर. खबरदार, अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया चल निकल निकल. और आज के बाद इस घर के आस पास नजर भी नहीं आना. टांग तोड़ के तेरे हाथ में दे दूंगा. चल. पैसे का है? अरे वो मैडम पैसे, अरे वो मैडम पैसे. एक मर्डर केस सॉल्व हुआ है, नहीं दूसरी लाश गिर गई. लेकिन इंस्पेक्टर यादव, ये तो तय हो गया कि सौरभ आचार्य कातिल नहीं है, कोई और है. ये वाइन शॉप की पर्ची मिली. सनशाइन वाइन शॉप. हौलदार जी सब, पता करो ये पर्ची किसकी है, किसने वहां से शराब खरीदी है.
अरे यार क्या हुआ वहां? Excuse me. शेफाली मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है ऑफिस में मुझे मत फोन क्या करो. अरे तुम जानती हो ना. I love you यार. Okay, bye. आप अभी तक गई नहीं? जब तक मुझे ब्लैकमेलर का पता नहीं चलेगा मुझे नींद नहीं आएगी. वरुण क्या हुआ वहां पर? वो वरुण चली गई. क्या सुन रहा हूँ? रूपल की हत्या हो गई? क्या? हाँ सर, मैं जब कॉन्स्टेबला पहुंचा तो थैंक गॉड मैं घर नहीं गई. उस ब्लैकमेलर ने उसे मारा होगा. देखिए संजना जी, आप निश्चिंत रहिए, किसने किसको मारा ये तो तहकीकात के बाद ही पता चलेगा. आप जाइए, घर जाइए, और अगर आपको किसी ब्लैकमेलर का या कोई धमकी वाला फोन आता है तो मुझे सूचित कीजिए. जाइए. वरुण क्या हुआ? क्या तू गया? क्या हाँ. कुछ मिला? सर एक वाइन शॉप की पर्ची मिली थी, मैंने इंस्पेक्टर यादव को दे दी और फिर जब मैं सब मुझे तो लगता है कि रूपल का मर्डर करके कातिल या फिर ब्लैकमेलर जो भी था वो मौकाए वारदात से जब भाग रहा था तब उसके हाथ से या जेब से वो सीडी गिर गई होगी. कहाँ है वो सीडी? दे मुझे. सर मेरे बैग में. सर वो सीडी मैंने डायरी के बीच में रखी थी और वो डायरी इस बैग में थी. पता नहीं डायरी कहाँ गायब हो गई. डायरी गायब नहीं हुई है, डायरी गायब कर दी गई है और गायब करने वाली अभी अभी कुछ समय पहले वहीं बैठी थी जहाँ तू बैठा है. क्लेप्टोमेनिया. कौन? गुड मॉर्निंग संजना जी. सॉरी सुबह सुबह आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ. एक्चुअली देखिए बुरा मत मानिए, कल रात आप केडी सर के ऑफिस आई थी, कहीं गलती से आप मेरी डायरी नहीं आई मीन अनजाने में यू सी. देखिए उस डायरी में ना एक बहुत इम्पोर्टेंट सीडी है. नहीं मिस्टर पाठक के ऑफिस से मैंने कोई डायरी नहीं ली, ट्रस्ट मी. सावंत पता किए थे वाइन शॉप का? शाबाश, चलो गाड़ी निकालो. नहीं सर, मां कसम मैं हत्यारा नहीं हूं. इतना कबूल करता हूं कि मैं रूपल जी को ब्लैकमेल कर रहा था. हाँ भाई, ब्लैकमेल कर रहे थे, हत्या आपने की, यही सब तो किया आपने. राजेश के साथ पहले से आप उसके धंधे में जुड़े हुए थे. जी नहीं पाठक जी, मैं तो दरअसल राजेश से मिलने जब मैं गोराई बीच पर पहुंचा तो वो मरा हुआ था और उसके जेब से मुझे कुछ सीडी भी मिली. मुझे पता था 15,000 रुपए कमाने वाला मेरा भाई राजेश अमीर लोगों को ब्लैकमेल करके खुद इतना अमीर बना. मेरे अंदर भी थोड़ी लालच आ गई साहब, जैसा मैंने किसी का खून नहीं किया. और रूपल जी से मिलने जब मैं तय वक्त पर पहुंचा तो वो मरी पड़ी थी साहब. आप ही के साथ ऐसा क्यों होता है कि जब आप पहुंचते तो लाश वहां पहले से पड़ी होती है? खत्म नहीं हो रहा कुछ मुझे. और ये राजेश जी के मृत्यु के बाद तो उनकी पूरी धन संपत्ति मकान इत्यादि सबके मालिक आप ही बन बैठे हैं. तो ये है आपके हत्या का मकसद? आपने सोचा रोज अपने भाई से 200-400 रुपए क्या मांगने, एक ही बार में सफाया करके पूरी धन संपत्ति प्राप्त कर? क्यों जी? नहीं सर, सर मैंने अमीर बनने का सपना जरूर देखा था पर मेरे भाई को मार कर नहीं. सर राजेश की जिस संपत्ति के बारे में आप बात कर रहे हैं उस पर मुझसे ज्यादा किसी और की नजर थी. अच्छा किसी और की? रियली? किसकी किसकी बताइए. कल रात को भी जबरदस्ती घर में घुसकर अपना हक जताने आई थी.
वो सामने बैठी है मेरी भाई की प्रेमिका। कौन? मीरा? ऑर्डर ऑर्डर योर ऑनर, राजेश के घर में अपना कुछ सामान वापस लेने गई थी। अच्छा? कैसा कैसा सामान? वो एक बार मैं राजेश के घर उसके साथ गई थी तो मैं अपना हैंडबैग वहीं पे छोड़कर आ गई थी। कल मैं उसके घर के सामने से गुजर रही थी तो मैंने सोचा कि अपना हैंडबैग वापस लेकर के आ जाती हूँ। बस इतनी छोटी सी बात पर ये ब्योड़ा इतना भड़क गया और इतना बड़ा बवाल मचा दिया इसने। सर मुझे लगता है ना कि राजेश का खून इसी ने किया है, ताकि राजेश की सारी प्रॉपर्टी का अकेला हिस्सेदार बन जाएगी। अब जानती है मीरा जी, मेरे सहायक वरुण के द्वारा ऐसी जानकारी मुझे प्राप्त हुई है जिसके कारण एक नया उद्देश्य सामने आया है राजेश जी की हत्या का। आप किस सच्चाई की बात कर रहे हैं मिस्टर पाठक? योर ऑनर, मीरा जी कुछ समय पहले ही एक डॉक्टर के पास गई थी। डॉक्टर के पास गई थी? नहीं नहीं, डॉक्टर विमला अवस्थी। ऑनर, इस केस में डॉक्टर का क्या लेना है? जसवाल साहब, लेना देना ये है कि डॉक्टर विमला अवस्थी एक गायनाकोलॉजिस्ट है। मीरा जी उनके पास गर्भपात कराने गई थी, तो हुआ ये कि आप डॉक्टर विमला अवस्थी के पास, जो एक गायनाकोलॉजिस्ट हैं, उनके पास गई गर्भपात कराने, जिसका ये अर्थ होता है कि आपके पेट में बच्चा था। आपके अपने कथन के अनुसार आपके और राजेश के बड़े नजदीकी संबंध थे, तो स्पष्ट रूप से जो बच्चा आपके पेट में था वो राजेश का ही होगा संभवतः। और जब आपने राजेश से ये बात कही और विवाह करने का दबाव डाला, तो प्राय जैसे होता है राजेश ने इनकार कर दिया होगा। नहीं कर सकता इस वक्त शादी में। तो मैं इस बच्चे का क्या करूं राजेश? गिरा दो। गिराऊंगी, सिर्फ तुम्हारे पाप को नहीं, इस बच्चे के बाप को भी। लेकिन मैंने राजेश का खून नहीं किया है। मैं मानता हूँ आपकी बात को मीरा जी, और पाठक साहब प्लीज आप मेरी बात मान लीजिए कि राजेश की जो हत्या हुई है वो सौरभ की गन से ही हुई है। मानते हैं ना आप मेरी बात? जहाँ तक योर ऑनर मीरा का पहुँचना नामुमकिन है, तो साफ है बात कि राजेश चक्रधर का खून सिर्फ और सिर्फ सौरभ आचार्य ने ही किया है। योर ऑनर, अभियोग पक्ष महोदय का बस चले तो ये रूपल जी की हत्या भी मेरे मुक्किल के सर मण दे। इनके पास कोई तथ्य नहीं है ये साबित करने का कि जेल में से सलाखों के पीछे से मेरे मुवक्किल अचानक मिस्टर इंडिया बनकर उजल हो गए और रूपल की हत्या करने के पश्चात पुनः वापस लॉकअप में लौट आए। मैं मानता हूँ ना आपकी बात, मैं मानता हूँ रूपल का खून किसी और ने किया है, किसी और मकसद से किया है, और वो क्या है वो अभी साबित करूँ। लेकिन योर ऑनर, उसके लिए मुझे अशोक चक्रधर को यहाँ कटघरे में एक बार फिर बुलाना हो। अशोक चक्रधर जी, आपने ये तो बता दिया अदालत में कि आप रूपल जी को ब्लैकमेल कर रहे थे, लेकिन ये नहीं बताया आपने कि क्यों ब्लैकमेल। खैर आपकी गलती नहीं है, शायद पाठक साहब आपने पूछा नहीं कि कोई बात नहीं, मैं पूछ लूँ। बताइए क्यों ब्लैकमेल कर रहे थे आप रूपल जी को? वो सर, एक्चुअली राजेश भाई की जेब से मुझे जो सीडी मिली थी उसमें रूपल जी का एक वीडियो था। बंद कमरे की ऐसी तस्वीरें जिसके बारे में बताते हुए मुझे शर्म आ रही है सर। पर ये जो है ना सौरभ आचार्य, ये आपको इसके बारे में डिटेल में बता सकते हैं सर। क्यों, वो क्यों बता सकते हैं? क्योंकि उस सीडी में रूपल जी के साथ कोई और नहीं बल्कि यही थे। क्या क्या नाम से आप इल्जाम लगा रहे हो तुम मुझ पर? मैं और रूपल के साथ, वो भी बंद कमरे में? अब सर मैंने वीडियो में जो देखा सर वो ही बोल रहा हूँ, एकदम एडल्ट सीन। अरे जयसवाल साहब, ये आप इतने वरिष्ठ वकील हैं, आप तो जानते हैं कि केवल कथन देने से कुछ नहीं होता, साथ में प्रमाण भी होना चाहिए। ये आपने पूछा नहीं अपने गवाह से कि वो सीडी कहाँ है? कोई बात नहीं, मैं पूछ लेता हूँ, कहाँ है वो सीडी? सर वो सीडी एक्चुअली खो गई सर। खो गई? सर रूपल जी का लाश देखकर जैसे ही मैं हक्का वक्का वहां से भागा तो वो रास्ते में कहीं मेरे पॉकेट से गिर गई सर। ऑनर, इनके जेब से वो सीडी गिर गई। अब जब तक वो सीडी मिल नहीं जाती, इस बात का प्रमाण नहीं मिल जाता कि ये जो कह रहे हैं वो सच है, तब तक इनकी बात को सच नहीं माना जा सकता। अशोक झूठ क्यों बोलेगा पाठक साहब? कोई कारण नहीं है इल्जाम लगाने का सौरभ आचार्य पे योर ऑनर, पर ये जो बातचीत हो रही है उसमें असली कारण जो है खून का वो सामने आ गया, असली मकसद, द मोटिव ऑफ मर्डर।
अब तक तो हमको ऐसा लगता था कि राजेश चक्रधर ने इनकी पत्नी को चोरी करते हुए देख लिया था वो परफ्यूम की बॉटल स्टोर से, इसलिए ब्लैकमेल कर रहे थे। लेकिन हकीकत वो नहीं है योर ऑनर, हकीकत तो ये है इनके जो नाजायज संबंध अफेयर चल रहा था रूपल के साथ उसके बारे में राजेश चक्रधर को पता चल गया था, इसलिए वो ब्लैकमेल कर रहे थे। मोटी रकम मांगी होगी, 10 लाख शायद। गुस्सा आ रहा है अभी, देखो जैसा गुस्सा आ रहा है उस वक्त और भी गुस्सा आया होगा, और इस गुस्से की वजह से मौत की नींद सुला दी राजेश चक्रधर को। और योर ऑनर, जहाँ तक इनके जो संबंध थे रूपल जी का, उनके दोनों के नाजायज संबंध का सवाल है, तो मैं यूं ही नहीं कह रहा हूँ, जिस न्यूज चैनल में दोनों काम करते थे उस न्यूज चैनल के कुछ कलीग्स भी आए हुए हैं। और सबसे बड़ी बात, खबरदार, न्यूज चैनल के ओनर सिद्धार्थ देसाई जी फिलहाल हमारे साथ मौजूद है और कोई गर्मा गर्म खबर देना चाहते हैं, ब्रेकिंग न्यूज। योर ऑनर, अगर आपकी परमिशन हो तो यहाँ बुलाओ। परमिशन ग्रांटेड। योर ऑनर, सौरभ और रूपल मेरी चैनल के बड़े होनहार रिपोर्टर थे, लेकिन अब काम के अलावा उनके बीच में क्या रिलेशन थे मुझे नहीं पता, ना तो कभी मैंने उसकी जासूसी की है। लेकिन जब भी सौरभ की कैबिन में जाओ, अधिकतर वहाँ पर रूपल भी होती थी। मैंने आप लोगों को ज़्यादा डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं बॉस। एनीवेज, इतनी रात हो गई, आप लोगों को घर नहीं जाना क्या? जाएंगे बॉस, लेकिन काम खत्म होने के बाद। ओके, ठीक है। रात रात भर वो लोग चैनल में रुकते भी थे, लेकिन क्या काम करते थे मुझे नहीं पता। मिस्टर देसाई, आप मेरे बारे में ऐसी बात कर रहे हैं? मेरा और रूपल का सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनल रिलेशन था। रात भर जग के मैं चैनल की टीआरपी बढ़ाने के लिए काम कर रहा था। सौरभ, ये बात मैं ऑलरेडी अदालत में बता चुका हूं, और तुम्हारी काबिलियत पे मुझे कभी भी कोई शक नहीं था, ये बात तुम भी अच्छी तरह से जानते हो, राइट? लेकिन योर ऑनर, जब मैंने रूपल को सौरभ की जगह पे प्रमोट किया तो मैंक ये काफी मुझसे खफा थे, यहां तक कि मेरी कैबिन में भी आए और मुझसे झगड़ने लगे। मिस्टर देसाई, मुझे आपसे कुछ अर्जेंट बात करनी है राइट नाउ। कॉल यू बैक। इतने गुस्से में क्यों बात कर रहे हो? लेकिन तो क्या करूं, आपके चैनल का सबसे पुराना रिपोर्टर हूं मैं। सोचा था सौरभ के मर्डर केस में फंसने के बाद मेरी गोल्डन चांस था, पर नहीं, वो चांस आपने रूपल को दिया, जो एक वक्त मेरी असिस्टेंट हुआ करती थी, उसे सीधा मेरा सीनियर बना दिया। ये मैं बिल्कुल सहन नहीं करूंगा मिस्टर देसाई। जिस तरह सौरभ की करियर क्या लाइफ बर्बाद हुई है ना, उसी तरह मैं रूपल की लाइफ भी बर्बाद करके रहूंगा। ऐसा मजा चकाऊंगा उसे कि इस जन्म क्या अगले जन्म तक याद रखेगी। रूपल जी को मजा चखाने वाले भद्र पुरुष आप ही हैं महक जी। नहीं मिस्टर भट्ट, उस वक्त मैं काफी गुस्से में था, इसलिए ऐसा बोल गया, मेरा कुछ ऐसा इरादा नहीं था। अगर आपके सामने आपके जूनियर को प्रमोशन मिल जाए और आप वहीं के वहीं चिपके रहे तो थोड़ा तो बुरा लगता, पर थैंक गॉड मिस्टर देसाई को रेजिग्नेशन सौंपते ही मुझे एक ओवरसीज चैनल में चीफ न्यूज रिपोर्टर का जॉब मिल गया। राइट, अगर मुझसे भूल नहीं हो रही तो ये वही सिंगापुर वाली चैनल है जिसमें मंत्री तिवारी जी के साले साहब की भागीदारी है। अब सीधा मेरे मन में ये प्रश्न उठता है कि ऐसा क्या किया आपने मंत्री तिवारी साहब को प्रसन्न करने के लिए जिसके कारण उन्होंने आपको वहाँ सिंगापुर वाले चैनल में चीफ रिपोर्टर की नौकरी देके प्रसन्न किया? आपकी तो बोलती बंद हो गई, मंत्री जी से पूछता हूँ। तिवारी साहब, मयंक को कब से जानते हैं? अब इतना कहाँ याद रहता है, कितने जर्नलिस्ट मिलते रहते हैं, मयंक भी कभी मिला होगा? हाँ, क्योंकि पहले कभी आपको उसके साथ नहीं देखा, तो आजकल बड़ी घोर साठगांठ चल रही है आप दोनों के बीच। मेरे सहायक ने आप दोनों को आपकी गाड़ी में एक साथ देखा और आपने अपने साले साहब के चैनल में बड़ा ऊंचा पद दिलाया है मयंक को, तो क्या क्या कारण है, क्यों इतने दयालु बन रहे हैं आप मयंक पर? इस केस का इससे क्या लेना देना है, ये क्या वाहिया सवाल है जज साहब? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल उचित प्रश्न किया है मैंने तिवारी जी। योर ऑनर, पिछले महीने ही एक राष्ट्रीय चैनल पर तिवारी साहब ने सौरभ आचार्य से प्रतिशोध लेने की बात की, उसके दो दिन बाद ही राजेश की हत्या हो गई, तो पूरी तरह से संभव है योर ऑनर कि ये पूरी योजना
तिवारी साहब ने रची हो। मयंक की सहायता लेकर मयंक से पहले सौरभ जी के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त की हो और फिर एक षड्यंत्र के तहत इनकी गाड़ी से गन निकालकर क्या बकवास है पाठक जी? एक तो मुझ जैसे वरिष्ठ मंत्री को यहाँ कटघरे पे खड़ा किया, यही बहुत है। ऊपर से आप मुझ पर घिनौना इल्जाम लगा रहे हो। होश में तो हो आप? हाँ, मैं तो होश में हूँ मंत्री महोदय, लेकिन आप आक्रोश में हैं और इसी आक्रोश के चलते आपने राजेश की हत्या की। और जब रूपल को आपके और मयंक के इस मिलीभगत के बारे में पता चला तो आपने रूपल को भी मरवा दिया। और मयंक ने इस योजना में आपका साथ दिया, इसीलिए आपने अपने साले साहब की चैनल में उसे इतने उच्च पद पर नियुक्त किया, किया या नहीं? केड़ी पाठक, तुझे अंदाजा नहीं है तू किससे पंगा ले रहा है। दिल्ली तक पहुंच है मेरी, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये जो मुझ पर इल्जाम लगा रहा है ना, तुझे तेरी औकात दिखा कर ही रहूंगा मैं। तेरा वकालतनामा रद्द नहीं करवा दिया तो मेरा नाम भी सदानंद तिवारी नहीं। योर ऑनर। मिस्टर तिवारी, आप प्लीज शांत हो जाइए। जनता के प्रतिनिधि होकर इस तरह का अभद्र व्यवहार आपको शोभा नहीं देता। यह अदालत तब तक किसी को भी गुनहगार नहीं मानती जब तक आरोप पूरी तरह साबित नहीं हो जाता। यह अदालत 2 दिनों के लिए मुलतवी की जाती है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। 2 ही दिन बचे हैं वरुण, और इन 2 दिनों में हमें बहुत कुछ पता लगाना है। वैसे इस समय मेरा संदेह सिमट कर 2 लोगों पर आ गया है, अशोक और तिवारी। सर, मयंक भी तो है। नहीं वरुण, मेरा अनुमान में मयंक केवल एक कठपुतली है जिसकी डोर तिवारी जी के हाथों में। वैसे जो अशोक ने खुलासा किया है नया, मुझे गहरी सोच में डाल दिया। वास्तव में रूपल और सौरभ के बीच कोई आपत्तिजनक संबंध तो नहीं था जिसके कारण पहले राजेश सौरभ को ब्लैकमेल कर रहा था और फिर अशोक रूपल को। सर, अगर सौरभ हमसे एक बार झूठ बोल सकता है तो 2 बार क्यों नहीं? काश वो सीढ़ी गुम नहीं हुई होती तो आज इस राज से पर्दा उठ चुका होता कि अशोक कितना सच बोल रहा है। झूठ बोल रहा है वो। सौरभ मुझे धोखा नहीं दे सकते। उस दिन अदालत में जब उन पर वो गंदा इल्जाम लगाया जा रहा था तब मुझे रियलाइज हुआ कि मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। वरुण, मैंने तुमसे झूठ बोला था। उस रात तुम्हारी डायरी मैंने चुराई थी जिसमें तुमने वो सीडी रखी थी। तो फिर आपने मुझे बताया क्यों नहीं? क्योंकि घर जाते वक्त वो बैग मुझसे ऑटो में छूट गया। इतनी मुश्किल से एक सबूत मिला था, उससे मैं अपने हस्बैंड को बेगुनाह साबित कर सकती थी, लेकिन मैंने वो भी खो दिया। आज मेरी चोरी की आदत की वजह से मैंने एक अहम सबूत खो दिया। लानत है मुझे अपने आप पर। ले लीजिए, आज तक मैंने जो भी चुराया है वो सब लाई हूं। ये सब आप पुलिस पे दे दीजिए और मुझे जो भी सजा मिलेगी उसके लिए मैं तैयार हूं। लग रहा है कि ये घड़ी मैंने रूपल के हाथ में देखी थी। रूपल की घड़ी है देखी। सेकंड हियरिंग के वक्त मैं रूपल के पास बैठी थी और मैंने उसके बैग से ये वॉच निकाल ली थी। ये
अब वो तो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन प्लीज मिस्टर पाठक, ये वॉच आप उसके घर वालों तक पहुंचा देना। और प्लीज मेरी तरफ से सॉरी कह देना। वरुण, इस घड़ी के पीछे एस लिखा हुआ है। अगर एस फॉर सौरभ है तब तो इस घड़ी के सीरियल नंबर से पता लगा कि ये कौन सी दुकान से बिकी थी और इसे किसने खरीदी थी। जी सर। नहीं मिस्टर पाठक, मैं और रूपल सिर्फ एक प्रोफेशनल कलीग थे। हाँ, लेकिन जब उसे मालूम पड़ा कि मैं एक खबरदार न्यूज चैनल छोड़कर एक नया न्यूज चैनल ज्वाइन करने वाला हूँ, तो वो मेरे साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगी, क्योंकि वो मुझसे मीडिया की बारीकियां सीखना चाहती थी। वो जानती थी कि मुझसे ज्यादा और कोई भी इस फील्ड में इतना एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन क्यों छोड़ रहे थे आप खबरदार न्यूज चैनल? सर, एक्चुअली एक राइवल चैनल ने मुझे डबल पैकेज और अपनी कंपनी में पार्टनरशिप ऑफर की थी। अब आप ही बताइए, इतना ल्यूक्रेटिव ऑफर मैं कैसे छोड़ सकता था? काम तो आपने दिलवा दिया तिवारी जी, पर अब ज्वाइन कैसे करूँ? वो केडी पाठक ने कोर्ट से ऑर्डर लेकर मेरे बाहर जाने पर रोक लगा दी। अब जब तक इस केस का फैसला नहीं हो जाता, मैं सिंगापुर नहीं जा सकता। जाएगा बच्चा तो जरूर जाएगा सिंगापुर, पर ये केडी पाठक तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसकी तो मैंने कानून मंत्री से शिकायत कर दी है, लाइसेंस जब्त होके ही रहेगा उसका। सजा उसी को मिलेगी जिसे हम चाहेंगे, और सजा भी ऐसी वैसी नहीं, सजाए मौत। तुम देखो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। मानना नहीं, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। प्लीज नहीं मानना। अशोक मरा तो नहीं, लेकिन बहुत बुरी तरह घायल हो गया, कोमा में। प्रश्न ये उठता है कि जानलेवा हमला किसने किया और उससे भी महत्वपूर्ण क्यों किया? पुलिस क्या कहती है इस बारे में? पुलिस का कहना है कि उन्हें कोई सुराग नहीं मिला, लेकिन मैं आपके लिए बैलिस्टिक रिपोर्ट की कॉपी लेकर आया। ब्लॉक 23 आरटीएफ 1 रूपल मर्डर केस की बैलिस्टिक रिपोर्ट कहाँ है? सर ड्रॉ में। ब्लॉक 23 आरटीएफ 1। तुम्हें पूरा विश्वास है कि वो कागजात तुम्हारे घर पर ही? हाँ मिस्टर पाठक, जहां तक मुझे याद है मैंने उन पेपर्स को बेडरूम के ड्रॉअर में ही रखा था। गुड जॉब। जैसा कि मैंने सोचा था वैसा ही है। मैं इन कागजात को लेकर अदालत जाता हूं, तो अस्पताल जा, और जैसे ही अशोक को होश आ जाए तो मुझे फोन करना। जी सर। मेरे हाथ में कुछ बैलिस्टिक रिपोर्ट्स हैं। प्रथम रिपोर्ट उन गोलियों की है जिनके कारण रूपल की हत्या हुई। इस रिपोर्ट से स्पष्ट होता है कि वो गोलियां ग्लॉक 23 आरटीएफ 1 नामक बंदूक से चलाई गई थी। द्वितीय रिपोर्ट योर ऑनर उन गोलियों की है जिससे अशोक पर हमला किया गया। इस रिपोर्ट से स्पष्ट होता है कि वो गोलियां भी ग्लॉक 23 आरटीएफ 1 से चलाई गई। तृतीय रिपोर्ट योर ऑनर उन गोलियों की जिससे राजेश को मारा गया। फर्क केवल इतना है यार कि वो बंदूक ब्लॉक 23 आरटीएफ 1 का नया प्रतिरूप है, ब्लॉक 23 आरटीएफ 2। पाठक साहब, क्या नॉलेज है आपके पास गन की? क्या बात करूं? बात करिए ना। क्यों बात तो आप अभी फिलहाल उसकी बात मत कीजिए। क्या लगा रखा है आरटीएफ, बीटीएफ, रेंज 1, रेंज 2, नया पुराना, क्या है यार ऑन अ टाइम वेस्ट? ये सब गन का नॉलेज यहाँ पे अदालत में देके क्या साबित करना चाहते हैं? क्या रिश्ता क्या है? रिश्ता आपको तब समझ में आता ना जब आप 10 मिनट प्रतीक्षा करते। मैंने कहा ना आपसे, जरा समय दीजिए अपने कार्य को, तो हो सकता है सफलता प्राप्त। योर ऑनर,
इसे और स्पष्ट करने के लिए और प्रमाणित करने के लिए मैं खबरदार न्यूज चैनल के कर्ता धर्ता सिद्धार्थ जी को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। अनुमति। डॉक्टर, डॉक्टर। देसाई साहब, बताइए अदालत को कृपया कि सौरभ को अपनी आत्मरक्षा के लिए वो गन आप ही ने दी थी। गन का मॉडल क्या था देसाई साहब? मॉडल, हाँ, लेकिन वो वही गन थी जो पुलिस को कार में से बरामद हुए थे। जिससे राजेश की हत्या हुई, यानी कि हत्या का औजार बैलिस्टिक रिपोर्ट के अनुसार ब्लॉक 23 RTF2। राइट। ये बताइए कि जो गन आपने दी थी सौरभ को, उसके साथ में गन के कागजात भी दी थे। हाँ? उन कागजातों पर क्यों ऐसा लिखा है कि आपने जो गन सौरभ को दी थी वो ग्लॉक 23 RTF2 नहीं, ग्लॉक 23 RTF1 थी, उससे पुराना मॉडल। यानी कि आपने ये पिस्तौल नहीं दी थी उसे, उसे आपने ग्लॉक 23 RTF1 दिया था। वही मॉडल की गन योर ऑनर, जिससे रूपल पर गोलियां चलाई गई, जिसके कारण रूपल की जान गई। वही गन योर ऑनर जिससे अशोक पर गोलियां चलाई गई और अशोक इस समय अस्पताल में जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष कर रहा है। क्या मैं सही कह रहा हूं या नहीं? मिस्टर पाठक, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप क्या बोल रहे हैं? बहुत बात है देसाई साहब, इतनी सरल सी बात आपको समझ में नहीं आ रही। सिंपल योर ऑनर, जब देसाई साहब ने सौरभ को वो बंदूक दी ही नहीं थी, तो फिर उस बंदूक से सौरभ किसी की हत्या कैसे कर सकता है? प्रश्न यहाँ ये उठता है कि उस बंदूक से हत्या किसने की और उस बंदूक को कब बदला गया? योर ऑनर, स्पष्ट है कि ग्लॉक 23 RTF2 से, यानी कि इस बंदूक से, नए मॉडल से राजेश को मारा गया और फिर वो बंदूक इनके गाड़ी में पड़ी हुई बंदूक से बदली गई। किसने बदली? देसाई साहब, मेरी जानकारी के अनुसार ये दोनों पिस्टल्स के मालिक आप थे। 2009 में आपने ग्लॉक 23 RTF1 खरीदा और उसके 4 साल बाद जब उसका नया मॉडल आया RTF2, तब आपने बाजार से वो भी खरीदा। कमाल है मिस्टर पाठक, क्या गन का नया मॉडल खरीदना कोई गुनाह है क्या? नहीं नहीं, लेकिन बंदूकें खरीद कर लोगों की हत्या करना, ये तो दंडनीय अपराध है देसाई साहब। मिस्टर पाठक, डू यू हैव एनी आइडिया? मैं इतनी बड़ी चैनल चलाता हूँ, सोसाइटी में, मीडिया में मेरी एक इमेज है, और आप ये कह रहे हैं कि ये सारे कत्ल, ये सारे मर्डर्स मैंने किए, और ये सब मर्डर करने के बाद मैं एक ऐसे आदमी को फंसाऊंगा जो 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 मेरी चैनल का इतना बड़ा रिपोर्टर है, नंबर वन रिपोर्टर है, उसी को मैं फंसाऊंगा। नंबर वन रिपोर्टर आपके चैनल का अगर जाकर किसी प्रतिद्वंदी चैनल से जुड़ना चाहे, तब तो गुस्सा तो आएगा आपको, जैसे कि आया, और आपने जो किया वो किया। क्या सौरभ चैनल छोड़ने वाला था? आपको पता नहीं था इस बात का? नहीं, इसने मुझे कभी नहीं बताया। हाँ, मैंने मिस्टर देसाई को इसके बारे में कुछ नहीं बताया था, मैंने ये बात सिर्फ रूपल से डिस्क्लोज की थी। इसके अलावा भी और कई सारी ऐसी बातें होंगी जो आपने सिर्फ और सिर्फ रूपल के सामने डिस्क्लोज की होगी। I'm sorry to say, मैं नहीं कहता, लेकिन शायद लोग सही कहते हैं, और अशोक ने भी जो सीडी में देखा होगा वो शायद सही होगा। अशोक ने तो बहुत कुछ देखा है देसाई साहब, अपने हत्यारे का चेहरा भी देखा है, बस उसके होश में आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं हम। जैसे ही वो होश में आ जाएंगे, असल हत्यारे का चेहरा सामने आ जाएगा। तो इंतजार कीजिए मिस्टर पाठक, कौन मना कर रहा है आपको, इंतजार कीजिए, पर मेरी बाल के खाल निकालने पर आप क्यों तुले हुए हैं? केवल वार्तालाप कर रहा हूँ आपसे, भेंट देने का बड़ा शौक है आपको। कि ऐसे एक बड़ी प्यारी सी, महंगी सी घड़ी है मेरे जेब में। अब ये मत कहना कि इस घड़ी को आप नहीं पहचानते। हाँ, मैं बताऊं यार आप? नहीं, ये घड़ी मैंने रूपल को दी थी। अब आप कहेंगे कि मेरा और रूपल का कोई चक्कर था, राइट? प्रश्न पूछने से पहले ही आप भाग गए और आपने उत्तर दे दिया, वाह क्या बात है। मिस्टर केडी पाठक, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन,
हाँ, मैंने रूपल को यह घड़ी दी थी क्योंकि उसने एक बहुत अच्छी योर ऑनर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, उसके लिए मैंने उसको ये घड़ी दी थी। मिस्टर पाठक, दैट वाज अ गिफ्ट। ये तो समय बताएगा। ये बताइए, आपकी इस घड़ी के अतिरिक्त आपने और भी भेंट दिए थे रूपल को? दिए थे? पुलिस ने रूपल के घर से ऐसी कई वस्तुएं बरामद की हैं, कीमती नेकलेस, हीरो से जड़े अंगूठी इत्यादि इत्यादि, और तहकीकात करने पर पुलिस ने ये पता लगाया है कि आप ही ने उनके दाम भरे और आप ही ने भेंट स्वरूप दिए थे उन्हें। मिस्टर पाठक, स्टॉप इट प्लीज। योर ऑनर, मैं एक शादीशुदा इंसान हूँ, अब मिस्टर पाठक इस तरह से मेरे कैरेक्टर पे पॉइंट आउट कैसे कर सकते हैं? और अशोक ने भी जो सीडी देखी है उसमें सौरभ और रूपल एक साथ साथ। देसाई साहब, वो जो सीडी थी जो अशोक ने देखी थी, वास्तव में उस पर रूपल और सौरभ नहीं, रूपल और आप थे। राजेश आपको ब्लैकमेल कर रहा था, आपसे लाखों रुपए ऐंठ रहा था। ओ सिद्धार्थ बाबू आ गए, क्या बात है। चल अब जल्दी से सीढ़ी निकाल। अरे नहीं सिद्धार्थ बाबू, इतनी जल्दी कैसे दे सकता हूँ? वो सीढ़ी तो मेरे लिए सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है। लेकिन तू तो कुल मिला के वास्तविकता ये है देसाई साहब कि आप राजेश को पैसे देते देते तंग आ चुके थे, फिर एक दिन अचानक आपने राजेश को अपने ही ऑफिस में सौरभ से मिलते हुए देखा। आप समझ गए कि राजेश सौरभ को भी ब्लैकमेल कर रहा है, तभी आपके मन में ये योजना उत्पन्न हुई। इसी कारण से आपने वो गन सौरभ को दी, इनकी आत्म सुरक्षा के लिए नहीं बल्कि अपनी योजना को, अपनी साजिश को अंजाम देने के लिए। कमाल है मिस्टर पाठक, आई मीन कैसी योजना? आप जो भी बोल रहे हैं ना, आपको उसे प्रूव करना पड़ेगा। यू नीड टू प्रूव इट, साबित कीजिए। नहीं नहीं, साबित मैं नहीं करूंगा, साबित तो अशोक करेगा होश में आते। सॉरी टू डिस्टर्ब यू पाठक साहब, ऐसा योर ऑनर किसी के बारे में बोलना नहीं चाहिए, लेकिन अगर अशोक को वहाँ पे कुछ हो गया, मतलब वो मर गया, तो आपकी जो थियरी है वो भी, आई होप यू अंडरस्टैंड। मैं योर ऑनर, मेरे सहायक का फोन है, लग रहा है कि वो होश में आ गया होगा अशोक, अगर आपकी अनुमति हो तो। धन्यवाद। हाँ वरुण बोल। सब बैड न्यूज है, अशोक की डेथ हो गई। शाम से कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं निकाल पाए। अच्छा क्या बात है, दैट्स गुड न्यूज वरुण, होश आ गया अशोक को। होश में आते कुछ कुछ बोल पाया, स्टेटमेंट दिया उसने, कथन दिया अपना? सर हाँ, समझ रहा हूँ कि मैं बोल नहीं पा रहा, गोली लगी हूँ, तो किसी का नाम तो लिया होगा, किसका नाम लिया? साहब ने ठीक से सुना नहीं, उसकी डेथ हो गई है, होश में कैसे आएगा वो? अच्छा, इंस्पेक्टर साहब से कहो उसका कथन रिकॉर्ड करके तुरंत अदालत में आ जाए। हाँ तो देसाई साहब, सुलझ गई सारी उलझन, अब जैसा कि आपने कहा था थोड़ी प्रतीक्षा कर लेते हैं, ज्यादा दूर तो है नहीं अस्पताल, इंस्पेक्टर साहब आते ही होंगे, या थोड़ा बहुत समय अदालत का बचाना चाहेंगे, क्या करना चाहेंगे? राजेश और रूपल दोनों का मर्डर मैंने किया है। अशोक पर भी मैंने ही हमला किया और सौरभ को भी मैंने ही फंसाया। जब मुझे पता चला कि सौरभ राजेश से मिलने जाने वाला है, मुझे किसी भी कीमत पर वो सीढ़ी चाहिए। तुम्हें जितने पैसे चाहिए उतने पैसे बोलो, लेकिन मुझे आज के आज ये केस रफा दफा करना है, ठीक है? फिर तो पूरा एक खोखा लगेगा साहब। क्या? और अगर आज के आज वो सीढ़ी चाहिए तो आज रात 10 बजे गोराई बीच में मिलो। नहीं 10 बजे नहीं, थोड़ा जल्दी मिलो, क्योंकि आज रात 10 बजे मैंने तुम्हारे ऑफिस के एक क्लाइंट को टाइम दिया। ठीक है। करीबन 10:45 बजे मैं वहां पे पहुंच गया। मैं वहां पे सिर्फ बंदूक और खाली बैग लेके गया था, क्योंकि पैसे तो मुझे उसे देने नहीं थे। मैंने जाने के साथ ही उस पर अटैक कर दिया।
उसको मारने के बाद सीढ़ी ढूंढने के लिए मैंने उसकी जेब की तलाशी ली, लेकिन तभी मैंने एक गाड़ी की आवाज़ सुनी। मुझे पता लग गया कि ये गाड़ी शायद सौरभ की हो सकती है, इसीलिए जाके मैं झाड़ियों में छुप गया। और जैसे ही मौका मिला मैं सौरभ की गाड़ी के पास गया। मैंने सौरभ की गाड़ी खोली और गन एक्सचेंज कर ली। सब कुछ मैं जैसा चाह रहा था वैसे ही हो रहा था। एक तीर से मैंने दो शिकार कर दिए थे। जो आदमी मुझे ब्लैकमेल कर रहा था मैंने उसको भी मार डाला था, और सौरभ, हालांकि सौरभ ने मुझे बताया नहीं था कि वो चैनल छोड़ के जाने वाला है, लेकिन मुझे पता लग गया था इसलिए मैंने उसे भी फंसा दिया। सब कुछ मेरे प्लान के हिसाब से हो रहा था जज साहब, लेकिन तभी उस रूपल का फोन आया। एक बुरी खबर है, वो सीडी किसी और के हाथ लग गई है, एक नया ब्लैकमेलर। रूपल को मैंने बहुत समझाया, अशोक ने जहाँ पर हमें बुलाया था मैं वहाँ पे रूपल को लेके गया। नया ब्लैकमेलर है अभी, लेकिन मुझे किसी से कोई सीक्रेट नहीं छुपानी। मतलब हमारे अफेयर के बारे में तुम्हारी बीवी का क्या रिएक्शन होगा, उसे मुझे कोई लेना देना नहीं है। तुझे तब समझ में नहीं आया जब तुझे प्रमोशन दिया था। मुझे कोई लेना देना नहीं। सुन मेरी बात, अगर मेरी बीवी को पता लग गया ना तो तुझे कहीं का नहीं छोड़ूंगा मैं। मुझे कहीं का नहीं छोड़ेगा, मैं तुझे कहीं का नहीं छोड़ूंगी। रूपल का मर्डर करने के बाद मैं वहां से भाग सकता था, लेकिन मैं भागा नहीं, क्योंकि मैं जानना चाहता था कि वो ब्लैकमेलर है कौन। और तभी नकाब पहन के वहां पे अशोक आया। रूपल की लाश देख के वो भागने लगा। अशोक, तू? मैंने कोई खून नहीं किया। तू ही रूपल को ब्लैकमेल कर रहा था ना? बोल, सीढ़ी किधर? सीढ़ी कहाँ? बताऊँ? सीढ़ी थी लेकिन लगता है गिर गई। मैं और अशोक सीढ़ी ढूंढने लगे कि तभी वहां पे वरुण आ गया, इसलिए मैं और अशोक बिना सीडी लिए ही वहां से भाग गए। मैंने उसे 3 लाख रुपए दिए सीडी का राज छुपाने के लिए, और ऊपर से और 5 लाख रुपए दिए सौरभ के बारे में झूठी गवाही देने के लिए। रसाई साहब, आपको अशोक को मारने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि इतने पैसे देने के बावजूद भी वो मेरा राज खोलना चाहता था। मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, इसीलिए मैंने तय किया कि मैं इसका भी खून कर दूंगा। लेकिन वो बच गया। दुर्भाग्यवश, योर ऑनर, अशोक बचा नहीं, मर चुका है। आपने एक नहीं 3-3 खून किए हैं देसाई साहब। अभी तो आपने कहा कि वो मरा नहीं बच गया है, और उसका स्टेटमेंट। देसाई साहब, कभी कभी सीधी उंगली से घी ना निकले, थोड़ी टेढ़ी कर लेनी चाहिए। डिफेंस प्रेस चलो। सभी पक्षों और गवाहों को सुनने के बाद यह अदालत सौरभ आचार्य को इस केस से बाइज्जत बरी करती है, और सिद्धार्थ देसाई को इन तमाम हत्याओं के जुर्म में फौरन हिरासत में लेने का हुक्म देती है। द केस इज क्लोज। अन्ना, इस समय मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। सुना है कि आप छुट्टी पर जा रहे हैं। थक गया। क्या बात है। ऑल द बेस्ट आपके सफर के लिए। आप जाकर वहाँ ताजी हवा में सांस लीजिए, और आपके यहाँ ना होने से जो ताजी हवा यहाँ उत्पन्न होगी हम उसमें सांस लेंगे। क्यों? Was a very stylish performance, I would say. Rock and roll, thank you.